चाचा चौधरी और बृहस्पति ग्रह। कैप कैनेडी अंतरिक्षयान केंद्र अमेरिका का एक उच्च अधिकारी चाचा चौधरी से मिलने आया। चाचा जी, हमें आपकी सख्त जरूरत है। कुछ दिन पहले हमने अपना एक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। जब वह रॉकेट अंतरिक्ष में घूम रहा था तो उसका यकायक पृथ्वी से संबंध टूट गया। उस रॉकेट का आज तक पता नहीं लग सका। हो सकता है कि उसमें कोई खराबी आ गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कई परीक्षणों के बाद रॉकेट को छोड़ते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चाचा जी, हमें आप जैसी सूझबूझ और तीक्ष्ण बुद्धि वाला आदमी चाहिए जो अंतरिक्ष से यात्रियों समेत हमारा रॉकेट वापस ला सके। हम आपको मालामाल कर देंगे। मुझे पैसों की नहीं, आपके फंसे हुए यात्रियों की ज्यादा चिंता है। धन्यवाद। कैप कैनेडी अंतरिक्षण केंद्र। अच्छा भाई, अलविदा। इतना कहकर चाचा चौधरी रॉकेट की ओर बढ़ जाते हैं। चाचा चौधरी को लिए हुए पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ता हुआ रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ा। अंतरिक्ष में बृहस्पति ग्रह से आए हुए दो भाई अपने यान में। पृथ्वी से एक और रॉकेट आया है, इसे भी बंदी बना लो। इधर यान के अंदर चाचा चौधरी एकाएक चौंक जाते हैं। ओह, लगता है मेरा रॉकेट किन्हीं अज्ञात किरणों की ताकत से जकड़ा गया है। कुछ देर के बाद, चलो तुम हमारे बंदी हो। ओह, यही है वे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। पृथ्वी का एक और आदमी इधर मौत के मुंह में आ गया है। मैं तुम तीनों को एक साथ मौत के घाट उतार रहा हूँ। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, जब मरना ही है तो क्यों ना हंसते हंसते मरे। इसलिए एक लतीफा सुन लो। है? एक बार एक आदमी एक डॉक्टर से दवा लेने उसके क्लिनिक गया। डॉक्टर वहाँ नहीं था। उसने कंपाउंडर से पूछा तो जवाब मिला, डॉक्टर साहब खुद बीमार हैं, किसी दूसरे डॉक्टर से दवा लेने गए हैं क्योंकि उसकी फीस कम है। और कुछ ही देर में वो परग्रही हंसते हंसते मर जाता है। लो, वह हंसते हंसते ही मर गया। लगता है ये आदमी हास्य रस से अपरिचित था। ज्यादा हंसने से उसके दिमाग की नस फट गई और वह मर गया। तभी दूसरा भाई आ जाता है। तुमने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पहले एक लतीफा सुन लो, तुम्हें यह पसंद आएगा। एक बार एक बच्चा अपने पिता से बोला, मुझे बाजा ला दो। पिता ने कहा, तुम सारा दिन बाजा बजा बजा कर मेरी नींद खराब कर दोगे। बच्चा मासूमियत से बोला, नहीं पापा, जब आप दोपहर को सो जाया करेंगे तभी मैं उसे बजाऊंगा। और दूसरा भाई भी हंसते हंसते ढेर हो गया। लो, हंसते हंसते ये भी चित हो गया। यहाँ के सभी लोग तीव्र हंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाचा चौधरी आजाद हो जाते हैं। मैंने तो किसी तरह अपनी रस्सियां खोल ली, तुम्हारी खोलूं अब? और चाचा चौधरी दोनों अमेरिकी यात्रियों को लेकर पृथ्वी की ओर चल दिए। हमारा कैप्सूल प्रशांत महासागर में उतरने वाला है। आप तैयार हैं ना? जी हाँ चाचा चौधरी। वाह, बहुत अच्छे।